नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। आए दिन हम कोई ना कोई हौसला बढ़ाने वाली खबर सुनते रहते हैं और इनसे प्रेरित भी होते हैं। ऐसी ही एक खबर हैदराबाद से आई है, जहां नामुमकिन कुछ भी नहीं वाली बात सच होती नज़र आई है। इसे साबित किया है 42 साल के गतिपल्ली शिवपाल ने। ये भारत के पहले बौने हैं जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया है। सिर्फ कार चलाने में ही नहीं, शिवपाल की लगन पढ़ाई में भी उतनी ही है और ये अपने ज़िले के पहले दिव्यांग हैं जिन्होंने डिग्री पाई है। शिवपाल का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल उनके लिए काफ़ी मुश्किल था और इस परेशानी से निजात पाने के लिए उन्होंने ड्राइविंग सीखने का फैसला किया। दरअसल शिवपाल ने ANI से बातचीत के दौरान कहा, लोग मेरे कद का मजाक उड़ाते हैं और आज मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के अलावा अन्य कई जगहों पर दर्ज हुआ है। कई बौने लोग मुझसे कार चलाने की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और मैंने विकलांगों के लिए एक ड्राइविंग स्कूल खोलने का फैसला किया है। लिम्का बुक के अलावा तेलुगु बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शिवपाल का नाम आया है। उन्होंने बताया कि ड्राइविंग के दौरान उन्हें कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सभी परेशानियों को हल करके कड़ी मेहनत के बाद ये ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया है। हमारे फ्रेंड के साथ इस्माइल बोल के उन्होंने गाड़ी सीखा, एक महीने में मैं गाड़ी सीख लिया। इसके बाद ड्राइविंग के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करते भी कोई RTO हमारे लाइसेंस लेने के भी रेडी नहीं था। क्यों बोले तो उसका कोई जीवो कापी से इतना ड्राइविंग इसी में सीखा मैं ड्राइविंग, एक गाड़ी में सीखा मैं ड्राइविंग हमारे कार में। फिर ड्राइविंग के लाइसेंस के लिए अप्लाई करते उनका कोई एथिक्स है इसके लिए, इतना हाइट है तो देना नहीं तो नहीं देना बोल के। फिर मैं बोला हमारा टेस्ट लगाओ, आपको पास होने के बाद ही लाइसेंस दिए बोलते लर्निंग लाइसेंस दिए। 3 महीना लर्निंग लाइसेंस में चलाया, इसके बाद परमानेंटली भी अप्लाई करते उन्होंने परमानेंट लाइसेंस देने को थोड़ा आगे पीछे हुआ था। क्यों बोले तो हमारे को प्रॉब्लम्स होता, फिर आया हमारा IR ऑफिस ऑब्जेक्शन कर रहे बोले तो मैं जब एक चेन्नई वाला विदाउट आर्म्स लेडी कोर्ट को स्टे करके अप्रो चैलेंज करके लाइसेंस लिए थे, वो जीवो कॉपी में लगा के तो उनको हाथ नहीं है तो लाइसेंस दिए। हमारे खाता पैर अच्छा है, हमारे को भी टेस्ट लगा के लाइसेंस दो, आपको कुछ तकलीफ हो तो लाइसेंस कैंसिल करो बोल के बोला। फिर हमारा RTO हमारा बाजू सीट में बैठ के H&8 टेस्ट करा, वो टेस्ट में पास होने के बाद लाइसेंस दिए। शिवपाल ने अपने इस सफ़र को भी लोगों के साथ साझा किया। आपको बता दें कि बस एक वीडियो ने उनकी ज़िंदगी बदल डाली। शिवपाल के मुताबिक उन्होंने इंटरनेट पर एक अमेरिकी शख्स का वीडियो देखा। वीडियो देखकर उन्होंने कार में मॉडिफिकेशन किया और उसे अपनी लंबाई के हिसाब से चलाने योग्य बनाया। उन्होंने अपनी कार को मॉडिफाई कर उसकी सीट की ऊंचाई बढ़ाई। बाद में शिवपाल ने गाड़ी चलाना सीखने के लिए अपने एक दोस्त की मदद ली। अब शिवपाल के लिए दूसरा मुश्किल काम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था। परिवहन विभाग के पास लंबाई से संबंधित कुछ दिशा निर्देश थे, जिसकी वजह से उन्हें लाइसेंस पाने में दिक्कत हो रही थी। अधिकारियों से अपील करने के बाद शिवपाल ने 3 महीने के लिए एक लर्नर लाइसेंस प्राप्त किया। इसके बाद कुछ अधिकारियों ने उनकी गाड़ी में बैठकर ड्राइविंग टेस्ट लिया, तब जाकर शिवपाल को एक स्थायी लाइसेंस मिला। अब अगले साल वो विकलांग लोगों के लिए एक ड्राइविंग स्कूल शुरू करने की योजना बना रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।